तो यहाँ पे आके ना आप देखिए हुक्का वक्का सारा कुछ आपको बोट पे ही मिलने वाला है। बहुत सारा चीज आपको बोट पे ही शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। एक बार पीछे का व्यू दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत व्यू है पीछे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज है डे 5, हम है कश्मीर के डल लेक में। काफी खूबसूरत सा आज मॉर्निंग है। एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं। पहले देखिए अभी शिकार राइड वगैरह चालू हो गया है, लोग बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। और पीछे पहाड़ों पे कितनी खूबसूरती है। उधर देखिए वो साइड में स्नो वगैरह है, पहाड़ पे गिरा है, अभी स्नोफॉल हो रहा है, आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो काफी मजेदार आज का व्लॉग होने वाला। अभी हम लोग शिकार राइड करेंगे, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और फिर शाम में पहलगांव जाएंगे, पहलगांव की ओर। तो अभी आलू पराठा खा रहे हैं, आलू पराठा दही अचार नाश्ता में और ऑमलेट भी है। पूरा राइड पे मजा आएगा ना आपको? बनाए नहीं सर। नहीं अच्छा, कुछ ऐसा घर लेता काम कर देता हूँ घर वालों के लिए। ऐसा माँ भी सब अच्छा बोटिंग बन। कुछ लेना है मुर्शिद भाई? यहाँ पे आपको लेक के किनारे ही सारा शॉप वगैरह आपको मिलेगा, यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हम दोनों का बोट साथ में चल रहा है, हमारे साथ हैं दोस्त लोग। इधर इधर भी देखिए, और इधर बीच में भैया बोट घुसाते हुए। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? जावेद। क्या दे रहे हैं भैया आप? केशर। केशर है ना, अच्छा अच्छा भैया। तो मतलब आप बोट का भी लुत्फ उठाइएगा, राइड का भी लुत्फ उठाइएगा, और साथ में यहाँ पे आपको कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। आपको बता दें डल लेक पे ना सुबह 6 बजे से शिकार राइड चालू हो जाता है, तो आप लोग सुबह 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक शिकार राइड एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग में अगर आप लोग कीजिएगा ना, तो मॉर्निंग में व्यू सारा व्यू अगर आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और देख रहे हैं अगल बगल में आपको बहुत सारा शॉप मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप लोग शॉपिंग कीजिएगा तो मेन मार्केट से ही कीजिएगा, जो लाल चौक में होता है, यहाँ पर आप शॉपिंग अवॉइड कीजिएगा। अगर बजट आपका है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। जो राइड होगा आप बहुत पीसफुल सा राइड होगा, आराम से 1.5 से 2 घंटे आप इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग 700 to 800 पे किए थे, लेकिन सीज़न में इसका रेट बढ़ जाता है। बोट आपको 700 to 800 लगेगा, जिसमें 3 से 4 लोग एक बोट में आराम से बैठ सकते हैं। और ये देखिए सामने का जो व्यू था ना, हम लोग काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अल्टीमेट पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। देखिए यहाँ पर मार्केट भी है, डल लेक के किनारे किनारे मार्केट गया है, और हम लोग डल लेक को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए नज़ारा हम अभी दिखा रहे हैं थोड़ी देर में। देखिए ये हिमालय बर्फ से ढका हुआ। ये देखिए एक दूसरे बोट जो लेडी चला रही हैं दोनों कोई। तो ये देखिए डल लेक, अभी हम यहाँ से उतरे हैं। यहाँ पे बगल में ही उतर के आप मार्केट को भी एंजॉय कर सकते हैं। सारा उलन चीज़ यहाँ मिलेगा डल लेक के किनारे पे ही। बोट सिर्फ राइड भी कीजिए और अंदर में आपको सारा उलन वगैरह कपड़ा मिलेगा। यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग कुछ भी नहीं किया। हम लोग वापस अपने बोट पर चले गए। टोपी हम लिए थे डल लेक से ही, जस्ट हमारे होटल में ही आए थे एक अंकल सेल करने के लिए, उनसे ही टोपी लिए। 400 बोल रहे थे, इसका 250 करके वो लगाए हैं कम करके। अच्छा लुक आ रहा था, सोचे ले लेते हैं। बोले कि ओरिजिनल है, भेड़ के फर का है, तो पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं। बोले यूट्यूब। तो यहाँ पे आके ना आप देखिए हुक्का वक्का सारा कुछ आपको बोट पे ही मिलने वाला है। बहुत सारा चीज आपको बोट पे ही शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। एक बार पीछे का व्यू दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत व्यू है पीछे का। पकड़ ले रही है छोटा भाई। अब बोल दो दोस्त।
ये देखिए डल लेक के पास में ही नेहरू गार्डन है, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं घूमने जाएंगे, हम लोग डल लेक को एंजॉय करेंगे।